हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उस पर हमने काफ़ी सारे पार्ट्स बनाए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। अगर फिर भी उसमें डाउट रहता है तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले इस वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 6 टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। सो वन बाय वन उनको कंप्लीट करेंगे एंड इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है अकाउंटेंसी में। ओके, पूरी पार्टनरशिप का वेटेज सबसे ज़्यादा है। ओके, अगर हम देखें तो हमने अलग अलग अकाउंट्स को बांटा है। सबसे पहले एक एनपीओ अलग कर दिया, उसके बाद एक पार्टनरशिप है, उसके बाद कंपनी अकाउंट्स है, देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मतलब चार पार्ट्स में बांटा है इसको। ओके, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है पार्टनरशिप का। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास 11th स्टैंडर्ड की, तो आप लोगों ने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, तो वहाँ पर दो चैप्टर थे, फाइनेंशियल अकाउंट जो आपका फाइनल अकाउंट्स था ना, ठीक है, उसमें क्या कर रहा था आपने, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, आपने दो पार्ट्स पढ़े थे उसमें। ओके, सो आपने वहां पर क्या देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक ही पर्सन सोल प्रोप्राइटर था। मतलब क्या है कि जितने भी प्रॉफिट्स सारे उसी को बिलोंग करेंगे, जितने भी लॉसेस सारे उसी को बिलोंग करेंगे। तो आप क्या करते थे, आप सबसे पहले एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते थे आप, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ओके, क्लास 11th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो आप एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता था, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते थे और सारी की सारी इनकम्स। ओके, यहां पर आप रिकॉर्ड करते थे बाय सेल्स। ओके, यहां पर आप रिकॉर्ड करते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक एट किस प्राइस पर लेते थे, मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू विच एवर इज लेस अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी अमाउंट, तो यहां लिख दिया। यहां पर हमारे पास आता था टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, ओके, और बाकी के टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहां पर निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, मैं ग्रॉस प्रॉफिट ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम बिजनेस तो प्रॉफिट के लिए करते हैं, अदरवाइज यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या आएगा, वो ग्रॉस लॉस होगा। लेकिन हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर हुआ। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्या बताता था, उस अकाउंटिंग ईयर का नेट प्रॉफिट बताता है। क्या बताता है, नेट प्रॉफिट। सो ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर आ गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, बाकी जितने भी ऑफिस से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, ऑफिस के, वो सारे के सारे खर्चे कहां आते हैं, पीएनएल अकाउंट में। ओके, तो टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी खर्चे होंगे वो कहां आएंगे, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो यहां पर हमारे पास आता था नेट प्रॉफिट, ये आता था हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब आप क्या करते थे क्लास 11th स्टैंडर्ड में, जो ये नेट प्रॉफिट आता था इसको आप जब बैलेंस शीट बनाते थे तो कैपिटल में इसको क्या कर देते थे, ऐड कर दिया करते थे। क्या कर देते थे, हम इसको ऐड कर देते थे क्लास 11th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें। अब हम पढ़ेंगे यहां पर पार्टनरशिप अकाउंट्स। क्या पढ़ने वाले हम, पार्टनरशिप अकाउंट्स। सो सोल प्रोपराइटर में पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, सोल प्रोपराइटर में एक ही सिंगल पर्सन था, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, ओके, 10, 20 हो सकते हैं। और कंपनीज एक्ट ये भी कहता है, कंपनीज एक्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। तो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, इसको वहां पर भी हम देखेंगे। ओके, सो एक चीज हमने यहां देखी है कि नेट प्रॉफिट हमारे पास आता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो उसको हम कैपिटल में क्या कर दिया करते थे, ऐड कर दिया करते थे। लेकिन यहां पर हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, पार्टनर्स की। किसकी करनी है, पार्टनर्स की अकाउंटिंग करनी है। तो पार्टनर्स की अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा वो किसी एक पर्सन को बिलोंग नहीं करेगा, वो किसको बिलोंग करेगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी को क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। ओके, सो जब पार्टनर्स के अकाउंट बनाते हैं तो इतनी अकाउंटिंग तो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी, इतनी अकाउंटिंग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगा। लेकिन हमें बनाना क्या होता है स्टूडेंट, हमें पार्टनर्स के लिए अकाउंटिंग करनी है, तो प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट निकालना है जो पार्टनर्स के हम बांट सकें, पार्टनर्स को दे सकें, तो उसको नाम दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम दिया, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, किसको बांटना, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसका क्या करना, अपोर्शनमेंट करना बिटवीन और अमंग दी पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में। क्लियर हो गया। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ओके, सबसे पहले पढ़ना क्या है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन ही हो गया, ठीक है, सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में हम क्लासेस कवर करेंगे। ओके, पार्ट्स कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, देन उसके बाद है सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन टू दी पार्टनर, देन उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट अच्छा टॉपिक रहता है, ओके, उसके बाद हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट दैट इज़ गारंटी, ओके, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ओके, जैसे एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया जाएगा ड्यू टू दिस पैंडमिक, जो आपका टाइम पीरियड इतना खिंच गया, चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पा रही थी आपकी, तो कुछ आपका कोर्स कम होगा, लेकिन हाँ बोर्ड में कम होगा सिर्फ, लेकिन होम असेसमेंट में उन चीज़ों को आपसे पूछा जाएगा, होम असेसमेंट में आपसे वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन बोर्ड में वो जैसे सपोज करिए, ओके, अप्रूव अगर 33.13 सिलेबस अगर रिड्यूस हो जाता है, तो जो 1/3 सिलेबस रिड्यूस होगा वो 1/3 सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन आपके जो होम असेसमेंट होंगे, जो स्कूल्स आपके एग्जाम्स लेगा उसमें वो उन सारी चीज़ों को पूछ सकता है। क्लियर हो गया? तो इन सारे टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है, और ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से कर लिया, ये फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप का अगर आपने अच्छे से कर लिया, तो आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले चैप्टर हमारा ये हो गया, उसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर आता है वो है सेकंड चैप्टर हमारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ओके, सारे चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे अगर हमने इस पहले चैप्टर पर फोकस कर लिया, इसको अच्छे से समझ लिया तो, ओके, उसके बाद हमारा जो थर्ड चैप्टर आएगा वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ओके, उसके बाद हमारे पास जो आएगा नेक्स्ट चैप्टर वो आएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो आएगा रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जो आएगा वो आएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो गुडविल में नेचर एंड वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, उसके बाद है रिकॉन्स्टिट्यूशन के फर्म का क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, रिलेशन चेंज होगा, नंबर ऑफ पार्टनर्स चेंज होंगे, उसके बाद पार्टनर्स का क्या होगा, एडमिशन होगा, कोई पार्टनर क्या होगा, एडमिट होगा किसी शेयर के लिए, उसके बाद पार्टनर्स का क्या होगा, रिटायरमेंट होगा, और उसका एक और पार्ट है उसमें क्या हो जाएगी, पार्टनर की डेथ हो जाएगी, नेक्स्ट क्या, बिजनेस ही क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, फर्म क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये अकाउंटिंग हमें करनी है इस पूरी बुक में, इस पूरी सीरीज में जो हमारी पार्टनरशिप सीरीज चलेगी, ओके, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो कहीं ना कोई चीज डिफाइन जरूर होती है स्टूडेंट, कोई भी अगर मैं चीज कहूं आपसे, कोई भी भाई, ये पार्टनरशिप एक लॉ है, एक एक्ट है, ठीक है, ओके, एक्ट और लॉ में डिफरेंस होता है, ओके, तो पहले कोई भी चीज, पहले बिल बनता है फिर बाद में एक्ट बनता है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट की। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, ये मीनिंग बताता है पार्टनरशिप का, एंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, ओके, बताइए कहाँ गिवन है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप इज गिवन अंडर सेक्शन 4, कहाँ पर गिवन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन किसमें दे रखा है, 4 में, क्या दे रखा है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप होता क्या है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, इट इज द रिलेशन, पार्टनरशिप या रिलेशन, कुछ कीवर्ड्स निकालेंगे हम, पार्टनरशिप या पार्टनरशिप इज द रिलेशन, किसका रिलेशन है, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का क्या है, एक रिलेशन है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो क्या कहता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का, वो क्या करते हैं, वो किसी प्रॉफिट और लॉस शेयर के लिए क्या करते हैं, एग्री करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं, ओके, या तो सभी काम करेंगे, सबके बिहाफ पे कोई काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, और ये मीनिंग कहां पर गिवन है, सेक्शन 4 के अंदर ये मीनिंग हमें गिवन है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या आता है, एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं पार्टनरशिप के, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स स्टूडेंट्स वो सारे के सारे ड्राइव कहां से होते हैं, वो सारे के सारे ड्राइव होते हैं कहां से, मीनिंग से। तो अगर मीनिंग की अगर हम बात करें, अब इसमें कितने सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपका हो गया ओके, कि कम से कम कितने पार्टनर्स होंगे, तो दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे, ठीक है, क्या होगा
क्या करेंगे, एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, क्या होगा एग्रीमेंट होगा किसी भी चीज को लेकर, प्रॉफिट लॉस को लेकर, हर एक चीज के ऊपर उनका क्या होगा एग्रीमेंट, कैरीड ऑन बाय ऑल, बिजनेस क्या करेंगे कैरीड करेंगे, ओके या कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। तो बेसिकली क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चीजें हमसे नहीं पूछता, ओके हमारा कुछ पेपर एमसीक्यू जरूर होगा स्टूडेंट्स, 30-40% 50% भी हो सकता है इवन। सो हमें कुछ चीजें याद रखनी, जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कहां रखा सेक्शन 4 के अंदर, ओके इन चीजों पर आपको गौर करना है, क्योंकि हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सिखाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो ये हो गया मीनिंग, और हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल, हमने इसको समझ लिया, ओके उसके बाद आता है पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, पार्टनर्स के बीच में क्या होता है एक एग्रीमेंट, और वो जो एग्रीमेंट है ना, वो जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो ओरल भी हो सकता है एज वेल एज रिटन। जो रिटन होता है तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, जब कोई भी एक एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में है तो वो डॉक्यूमेंट बन गया, डॉक्यूमेंट का मतलब वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड, क्या कहलाता है वो पार्टनरशिप डीड, क्या कहलाता है पार्टनरशिप डीड, क्या कहलाएगा वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन और अमंग दी पार्टनर्स, एग्रीमेंट मे बी ओरल, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ओके एंड इट इज नॉट मैंडेटरी कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए, ओके इट इज एन ऑप्शनल, ओके ये ऑप्शनल है कि आप चाहो तो अपनी फर्म को रजिस्टर करा लो, अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आप उसको नहीं करो, ओके सो अगर हम देखें तो मैं और समझाने की कोशिश करूं आपको, इसको नोट करते रहना आप लोग साथ के साथ, ठीक है इसको नोट करते रहिएगा आप लोग, ओके हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, हमारा पार्ट वन है। तो इसमें देखना क्या है, जैसे कि हमारी पार्टनरशिप डीड है, अब पार्टनरशिप डीड को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, ठीक है एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड, पार्टनरशिप डीड को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में बांट दिया अलग अलग, ठीक है एक हमने पार्ट में बांटा एक्सप्रेस और दूसरा हमने कर दिया उसको इम्प्लाइड, ठीक है किसको बांटा ये पार्टनरशिप डीड को, ओके पार्टनरशिप डीड, ठीक है अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है वो समझ लेते हैं, एक होता है एक्सप्रेस, ठीक है और एक होता है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब कुछ चीजें गिवन होंगी, इम्प्लाइड का मतलब गिवन नहीं भी है तब भी हमें कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, जैसे क्या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, हमने माना पार्टनरशिप डीड साइलेंट है मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी वो इम्प्लाइड हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो इम्प्लाइड, ओके अब इम्प्लाइड के केस में क्या होगा और एक्सप्रेस के केस में क्या होगा अब मैं बताता हूं। सबसे पहले एक्सप्रेस का मीनिंग क्या है, ओके नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ओके फर्म का नेम और उसका एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, ओके पार्टनर का नेम और उनका एड्रेस, ओके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए ये भी डीड के अंदर गिवन होगा, ठीक है उनकी कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कि कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट है, किस रेट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ओके इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बहुत सारी चीजें इसके अंदर दे रखी होती है, मैंने आपको मेन समझा दी है स्टूडेंट्स, ओके सो ये चीजें जहां पर गिवन होती हैं वो पार्टनरशिप डीड क्या कहलाती है, एक्सप्रेस कहलाती है। इम्प्लाइड का मतलब क्या है, व्हेन देयर इज नो डीड, व्हेन देयर इज नो डीड, जब कोई डीड ही ना हो तो क्या बन जाएगा वो इम्प्लाइड बन जाएगा, मतलब हमें उसको मानना ही पड़ेगा, ओके इम्प्लाइड का मतलब आपको करना ही है जो दे रखा है, ठीक है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर एक होता है भाई पार्टनरशिप एक्ट, यहां पर क्या लग रहा है पार्टनरशिप एक्ट लग रहा है, तो पार्टनरशिप एक्ट लग रहा है तो पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, अगर आपकी फर्म का कोई रेशो नहीं है, नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इस केस में हम पार्टनर्स को किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल रेशो में, जब कोई रेशो गिवन ही नहीं होगा, ठीक है नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओके अगर क्वेश्चन में ये अगर ये भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया उस पर कितनी इंटरेस्ट लगनी चाहिए, अगर ये भी मेंशन नहीं है, अगर मेंशन है तो हमने कहां देखा उसको इंटरेस्ट ऑन लोन को, कहां देखा हमने एक्सप्रेस में, और जब गिवन ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना लिया जाएगा, 6% पर एनम एज अ सिंपल इंटरेस्ट, क्या है 6% पर एनम एज अ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट भी होती है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को हम नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या है सिंपल इंटरेस्ट को देखेंगे, ठीक है और यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट 10% भी है, 10% पर एनम भी है, तो हमें 10% पे आउट करना पड़ेगा, बिकॉज वो कहां पर दे रखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर दे रखा है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे
provisions applied of Indian Partnership Act 1932. If there is no partnership deed, then हम क्या provisions applied करेंगे जो Indian Partnership Act 1932 के अंदर given है, और वो क्या है कि profit sharing ratio जब नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, equal लेते हैं, और interest on loan given नहीं होता तो हम कितना percent मानते हैं, 6% per annum as a simple interest. Got it? Clear हो गया? Okay. So, यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई कब क्या चीज़ दी जाएगी. तो याद रखना स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं किसकी, पार्टनर्स की. हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं. तो हर एक चीज़ पार्टनर्स के बेसिस पे देखी जाएगी, पार्टनर्स ऑफ फर्म के बेसिस पर. ठीक है, पार्टनर्स ऑफ फर्म ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं. इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स, इंडिविजुअली क्या होते हैं वो, इंडिविजुअली क्या होते हैं, इंडिविजुअल क्या होते हैं वो, पार्टनर्स. ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म, और कलेक्टिवली क्या होते हैं वो, फर्म होते हैं. इंडिविजुअली तो वो क्या है, पार्टनर है, और कलेक्टिवली क्या बन जाते हैं वो, फर्म. सपोज करते हैं ए बी सी, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर. ओके, अब मैंने कहा ए बी सी की क्या है, फर्म है. ए बी सी की क्या है, फर्म है. तो कलेक्टिवली तो वो फर्म बना देते हैं, और इंडिविजुअली क्या होते हैं वो, पार्टनर्स होते हैं. ठीक है, इतनी बात आई होप आपके समझ में आई हो. सो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारा एक कोर्स शुरू हुआ है जिसपे 50% का ऑफ चल रहा है. ओके, कोर्स शुरू हुआ जिसका 50% ऑफ है. ओके, इस क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा. 50% ऑफ चल रहा है. 50% ऑफ क्या है, हमारी अपनी बुक है, हमारी अपनी बुक है जिससे हम आपको पढ़ाते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर आपके टीएस ग्रेवाल बाकी सारी बुक्स हैं उसके भी क्वेश्चंस लेंगे. जो हमारी बुक है उससे हम पढ़ाते हैं, उससे क्वेश्चंस लेते हैं. उसका हमारे पास मटेरियल जो है वो आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा. स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको होंगे, अगर आपको परचेस करना है 50% का ऑफ है. और ये जो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं. एंड यू आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, जहां पर हम आपको एक माइक्रो कोर्सेज में ऐड कर लेंगे, जहां पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल, आप हमें टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर पोलिंग होती है, हम कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स ओके, याद रखना कि ड्यू टू दिस पैंडमिक आपकी एकेडमिक पे असर नहीं पड़ना चाहिए. ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.